प्रीवियस मीटिंग में हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के बारे में पढ़ रहे थे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होती है उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। ऐसी सीक्वेंस जिसमें हर टर्म जो है वो प्रिसीडिंग टर्म को किसी फिक्स नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद हासिल हो, ऐसे सीक्वेंस को जो है वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर मैं कोई एक सीक्वेंस लिखूँ एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे 3, 12, 48 एंड सो ऑन, तो जो सीक्वेंस लिखी है अगर आप सीक्वेंस में देखें तो 3 को अगर हम जो है वो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 12। इसी तरह 12 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 48। इसी तरह 48 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नेक्स्ट जो नंबर मिलेगा वो होगा 192। तो इसी तरह आप लोगों को जो है वो किस सीक्वेंस में अगर ये खास बात पाई जा रही है कि उस सीक्वेंस की हर टर्म जो है वो उससे जो प्रीवियस टर्म है उसको किसी फिक्स नॉन जो नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद हासिल हो रही है, तो ऐसी खास बात किस सीक्वेंस में पाई जा रही है तो उस सीक्वेंस को हम कहते हैं वो क्या है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली जो है किसी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का विस्तार डिस्कस कर सकते हैं। अगर किसी सीक्वेंस की पहली टर्म लेट्स से A1 है और उसकी दूसरी टर्म जो है वो कैसे बनती है, A1 को जो है वो अगर हम किसी फिक्स नंबर लेट्स से 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको क्या मिल जाती है, वो दूसरी टर्म मिल जाती है। इस तरह इस दूसरी टर्म को अगर हम जो है वो अगेन 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, A1R², तो A1R² आपके पास क्या होगा, वो सीक्वेंस की तीसरी टर्म है। इसी तरह A1R² जो कि तीसरी टर्म है उसको अगर हम अगेन जो है वो आर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या बन जाएगा आपके पास, A1R³, वो सीक्वेंस की आपके पास जो है वो फोर्थ टर्म बन जाएगी। सेकंड टर्म में R² जो है 1 है, 2 में से कम है। थर्ड टर्म में R² जो है वो 2 है, 3 में से कम है। इस तरह इन जनरल nth टर्म में से जो है वो R² क्या होगी, n-1 होगी, n में से कम होगी। तो ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो है वो nth टर्म होती है, ये वाली जिसका जनरल फार्मूला मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया है, An = R^(n-1)। और उसके अलावा हमें ये बताया कि अगर हम किसी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस से R की वैल्यू जो फाउंड करना चाहें कि वो फिक्स नंबर कौन सा है जिसको प्रीवियस टर्म से जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो है हमें नेक्स्ट टर्म जो है वो मिल जाती है, तो फिक्स नंबर जो है आप कि कोई भी दो कंजक्टिव टर्म जो है उनकी रेशियो फाइंड आउट करने के बाद उस फिक्स नंबर को जो वैल्यूट कर सकते हैं। इन जनरल आप जो है nth टर्म में से जो है वो n-1 टर्म जो है उसको अगर आप माइनस करेंगे तो आपको कॉमन रेशियो जो है वो फिक्स नंबर जो है मिल जाएगा जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें उससे एक टर्म से नेक्स्ट वाला टर्म जो है वो मिलती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सीक्वेंस की बात कर लें, आपको पता है यहाँ पे कॉमन रेशियो आर आ रही है क्योंकि आर को मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टर्म हासिल कर रहे हैं। अगर आपको ये ना पता हो कि किस सीक्वेंस में ये फिक्स नंबर जो है वो कौन सा है तो आप क्या करें, कोई सी भी दो कंजक्टिव टर्म ले लें उस सीक्वेंस की जो आपको गिवन दी गई है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 3 और 12 ये दो कंजक्टिव टर्म लेने की अगर बात करें, जो सेकंड टर्म है उसको हम जो है अगर फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे उससे पिछले वाले टर्म से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आके आ गया 4। तो ये 4 आपके पास क्या होगी, कॉमन रेशियो होगी। इस तरह अगर आप जो है 12 और 48 की बात करें तो अगर आप 48 को 12 से डिवाइड करेंगे उससे प्रीवियस नंबर से डिवाइड करेंगे तब भी आंसर आपको क्या मिलेगा, तभी आंसर आपको 4 ही मिलेगा। तो किसी भी दो कंजक्टिव टर्म में जब आप एक टर्म को उससे प्रीवियस टर्म एक टर्म को उसकी प्रीवियस टर्म से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद हमेशा आपको जो है वो एक फिक्स नंबर जो है वो आंसर में मिल रहा हो, तो अगर किसी सीक्वेंस में एक खास बात पाई जा रही है तो उस सीक्वेंस को ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं। और उस फिक्स नंबर को जो कि हमेशा आपको डिवाइड करने के बाद या रेशो लेने के बाद जो मिल रहा है उस फिक्स नंबर को हम जगह कहते हैं वो क्या है, कॉमन रेशियो है ऑफ टू कंजक्टिव सीक्वेंस, या उस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में जो कॉमन रेशियो आ रही है वो क्या है, वो आर है या वो फिक्स नंबर है जो कि हम जो दो कंजक्टिव सीक्वेंस की रेशियो फाइंड करके जो है इवैल्यूएट करते हैं। तो ये है आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की डेफिनेशन और उसकी nth टर्म का फार्मूला। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम लोगों ने पढ़ना है वो है ज्योमेट्रिक मीन। जिस तरह अरिथमेटिक सीक्वेंस के बाद हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन का टॉपिक पढ़ा था, अरिथमेटिक मीन क्या होता था कि अगर आपको कोई सी तीन टर्म्स जो है कंजक्टिव जो है किसी अरिथमेटिक सीक्वेंस में आ रही हों, लेट्स से स्मॉल ए स्मॉल स्मॉल ए कैपिटल ए और स्मॉल बी, अगर तीन टर्म जो है कंजक्टिवली जो है वो किसी अरिथमेटिक सीक्वेंस में आ रही हों, इन तीन टर्म्स में जो पहली और तीसरी टर्म है
उनके दरमियान वाली जो टर्म होती है उस दरमियान वाली टर्म को जो है वो पहली और आखिरी टर्म के बिटवीन जो है वो अरिथमेटिक मीन जो है वो हम कहते हैं। इसी तरह जियोमेट्रिक सीक्वेंस की डेफिनेशन भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर आपके पास जो है वो कोई से तीन नंबर आ रहे हों जियोमेट्रिक सीक्वेंस में कंजक्टिवली, लेट्स से स्मॉल ए स्मॉल बी, या आपके पास दो नंबर जो है वो पहले और तीसरे नंबर पे आ रहे हो और दूसरे नंबर पे आपके पास जो कोई नंबर लेट्स से जी आ रहा हो और ये तीन नंबर कंजक्टिवली जो है वो इस तरह आ रहे हो कि तीनों नंबर जो है वो या तीनों टर्म जो है कंजक्टिवली मिलके जो है वो किसी ना किसी जियोमेट्रिक सीक्वेंस की तीन कंजक्टिव टर्म जो है वो बन रही हों, तो इस केस में हम क्या कहेंगे, ये जो जी ए और बी के दरमियान में आ रहा है इस जी को हम कहेंगे कि वो ए और बी के दरमियान क्या है, जियोमेट्रिक मीन है। तो जियोमेट्रिक मीन की डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ लेते हैं। जियोमेट्रिक मीन की डेफिनेशन ये है, लेट स्मॉल ए एंड स्मॉल बी बी टू नंबर्स, अ नंबर कैपिटल जी इज सेट टू बी जियोमेट्रिक मीन बिटवीन दीज टू नंबर्स ए एंड बी इफ ए कैपिटल जी एंड बी आर इन जी पी, कि अगर ए कैपिटल बी जी और बी जो तीन नंबर इकट्ठे हैं, तीनों नंबर क्या आ रहे हैं इकट्ठे जो है किसी न किसी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो है वो आ रहे हों कंजक्टिवली, तब जो इन तीनों नंबर में जो पहला और तीसरा नंबर है और उनके दरमियान जो नंबर है, दरमियान वाले नंबर को हम कहेंगे कि वो पहले और तीसरे नंबर के दरमियान किया है जियोमेट्रिक मीन है। तो जियोमेट्रिक मीन है इसलिए उसको जी का नाम दिया है, नंबर अदरवाइज कुछ भी हो सकता है वो वाला। तो जियोमेट्रिक मीन जो है दो नंबर के दरमियान निकालने का फार्मूला भी है, जिस तरह अरिथमेटिक मीन निकालने का फार्मूला था। अरिथमेटिक मीन निकालने का फार्मूला ये था कि जिन दो नंबर के दरमियान आप लोगों ने अरिथमेटिक मीन निकालना है उन दो नंबर्स को आपस में ऐड करके टू से डिवाइड कर दें, तो इन दो नंबर्स के दरमियान जो अरिथमेटिक मीन होगा आपको वो अरिथमेटिक ए जो है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। जियोमेट्रिक मीन का फार्मूला है जी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी, ठीक है। जिन दो नंबर्स के दरमियान आप लोगों ने जियोमेट्रिक मीन फाउंड करना है उन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करने के बाद उनका जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो और साथ में स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस का सिंबल लगा दो। तो प्लस और माइनस इन दोनों में से कोई भी एक जो है वो नंबर आलोक जो है एक वक्त में जो है वो एज ए जियोमेट्रिक मीन जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको सीक्वेंस आपको जो है वो दी गई है या जिन भी दो नंबर के दरमियान आप लोगों ने जियोमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है उन दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें और उनको मल्टीप्लाई करने के बाद उनका स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर रूट लेने के बाद साथ में जारी बात है प्लस माइनस का सिंबल आएगा। तो प्लस और माइनस दोनों में से किसी भी एक नंबर को एज ए जियोमेट्रिक मीन जो है आप उन दो नंबर्स के दरमियान जो यूज़ कर सकते हैं जिन दो नंबर्स के दरमियान आप लोगों ने जियोमेट्रिक मीन जो है फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मिस्टेक हुई है बुक में, यहाँ पे प्लस माइनस ए भी लिखा हुआ है, सिंपली प्लस माइनस ए भी नहीं आएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर रूट ए भी आएगा। तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए भी जो है आपके पास जियोमेट्रिक मीन का जो है वो फार्मूला है। अब हम ये नेक्स्ट एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जिनमें दो नंबर्स के दरमियान जियोमेट्रिक मीन जो है फाइंड आउट करना होगा हम लोगों ने। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे अगर आप ये एग्जांपल दी गई है, ये जियोमेट्रिक सीक्वेंस है आपके पास जिसकी मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बात की थी। इस जियोमेट्रिक सीक्वेंस को देखें तो हर दो टर्म्स जो है कंजक्टिव जो टर्म्स हैं उनकी कॉमन रेशियो जो है वो सेम ही आ रही है, मीन्स कॉमन रेशियो आपके पास जो है वो फोर आ रही है। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 48 को 12 से डिवाइड करेंगे तभी 4 आएगा, 192 को 48 से डिवाइड करेंगे तभी 4 आएगा। तो कॉमन रेशियो आपके पास जो 4 आ रही है हर दो कंजक्टिव टर्म्स की, इसका मतलब ये आपके पास सीक्वेंस लिखी हुई है, ये आपके पास एक जियोमेट्रिक सीक्वेंस है। अब इसकी अगर हम कोई सी भी तीन कंजक्टिव टर्म लेके उसकी अगर हम पहली और आखिरी टर्म के दरमियान जो है वो अगर जियोमेट्रिक मीन फाउंड करना चाहें तो वो जियोमेट्रिक मीन का मैंने आपको जो फार्मूला बताया हुआ है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए भी उसको यूज़ करते हैं हम पहली और आखिरी टर्म के दरमियान जो है जियोमेट्रिक मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जिस तरह हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन के केस में पहली और आखिरी टर्म के दरमियान एक और एक से ज़्यादा अरिथमेटिक मीन जो है फाइंड आउट किए थे, उसी तरह जियोमेट्रिक मीन के केस में भी ऐसा ही है कि आप दो पहले एक दो नंबर्स के दरमियान या दो टर्म्स के दरमियान जो है वो एक या एक से ज़्यादा जियोमेट्रिक मीन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर एक ही जियोमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना हो तो आप इस फार्मूले को फार्मूला का यूज़ करते हुए जियोमेट्रिक मीन एक वैल्यू कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा जियोमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने हो आप लोगों ने दो टर्म्स के दरमियान या कह लें कि ए और बी के दरमियान, फिर आप लोगों को जो है कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेशन जो है वो करनी पड़ती हैं। इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन के केस में भी किए थे कि जब दो टर्म्स के दरमियान एक अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना हो तब हम जो है वो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला ए प्लस बी ओवर टू वो लगा के एक अरिथमेटिक मीन जो है वो दो टर्म्स के दरमियान फाइंड आउट कर लेते थे। लेकिन अगर हम दो टर्म्स के दरमियान हमने ज़्यादा अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने हों तो उसके
कि उस केस में हम लोग को जो है कुछ मजीद जो है कैलकुलेशन कैलकुलेशन जो है करनी पड़ती थी एक से ज़्यादा जो है अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने के लिए। इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन के केस में भी सेम केस ही है कि अगर आपने सिर्फ एक ही अरिथमेटिक मीन जो है फाइंड आउट करना है तब आप जो है वो प्लस माइनस ए बी स्क्वायर रूट ये वाला फार्मूला जो है लगा के एक अरिथमेटिक मीन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम ये वाली एग्जाम्पल करते हैं कि अगर आपको दो टर्म्स के दरमियान दो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म्स के दरमियान एक अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना हो तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे इस फार्मूले को यूज़ करते हुए। तो लेट्स से अगर आपके पास जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस लिखी हुई है 3, 12, 48 एंड सो ऑन, इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की अगर हम जो है वो पहली तीन जो है वो टर्म जो है कंसिडर कर लें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 12 जो है वो 3 और 48 के दरमियान जो है क्या आ रहा है ज्योमेट्रिक मीन आ रहा है, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो 12 जो है वो 3 और 48 के दरमियान जो है ज्योमेट्रिक मीन आ रहा है। अब फर्ज करें अगर आपको जो है वो दरमियान में ये वाला 12 जो है गिवन नहीं दिया गया, जैसे ही कहा गया है कि एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है उसमें 3 और 48 के दरमियान जो है ज्योमेट्रिक मीन जो है फाइंड आउट करें, तो आप लोग जो है ज्योमेट्रिक मीन जो अगर आप लोग फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करेंगे आप इस फार्मूले को यूज़ करेंगे ताकि आपको 3 और 48 के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन जो है वो मिल जाए। 3 यहाँ पर आपके पास को आप ए कंसिडर करेंगे और जो 48 है उसको बी कंसिडर करेंगे, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला लगाएंगे और उसको यूज़ करते हम देखते हैं कि हमें ज्योमेट्रिक मीन का आंसर जो है वो क्या मिलता है। तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी, ए हमारे पास क्या है 3 है और 48 हमारे पास बी हमारे पास क्या है वो 48 है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, 48 को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो 48 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 144। तो जब 144 का आप स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें पता है 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12 होता है, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट प्लस माइनस 12। तो आपको यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन मिल गया प्लस 12 जो है वो आपके पास जो एक्चुअल ज्योमेट्रिक मीन है जो कि आप लोगों ने फाइंड आउट करना था, जो कि हमने यहाँ पे पहले से लिखा था जिसको कटआउट किया यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको जो है ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी, दोनों में से एक ही वैल्यू जो है वो एज ए ज्योमेट्रिक मीन जो है आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी सूटेबल वैल्यू होगी आपको यहाँ से मिल जाएगी प्लस वन से। तो प्लस जो है 12 था हमारा ज्योमेट्रिक मीन था 3 और 48 के दरमियान, वो आपको जो है यहाँ पर मिल गया है। इसी तरह अगर आप जो है वो 12, 48 और 192 की बात करें, अगर इन तीन कंजक्टिव टर्म की बात करें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, तो इनके दरमियान भी आप जो है ज्योमेट्रिक मीन जो 48 है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 12 को अगर आप ए और 192 को अगर आप बी कंसिडर करें तो ज्योमेट्रिक मीन जो 48 है अगर आपने वो फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे, 12 जो कि ए है उसको मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ मीन के 192 के साथ। तो 12 को जब हम 192 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2304। तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 2304। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो जब आप 2304 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो आपको स्क्वायर रूट जो है आपका आंसर जो है वो 48 मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि प्लस माइनस 48 मिलेगा अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें हमारी जो ज्योमेट्रिक मीन हमें एक ही यूज़ करनी है, हमें ये प्लस 48 है जो हम इसको हम जो है एज ए ज्योमेट्रिक मीन जो है यहाँ पे हम जो है वो कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ज्योमेट्रिक मीन जो है वो 48 ही आ रहा है यहाँ पे। आप अपनी सीक्वेंस को देख सकते हैं, तो दोनों में एक ही ज्योमेट्रिक मीन जो है एज ए यूज़ होता है आपकी एक्चुअल ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का। तो वो जो भी होगा आपको आपके पास अगर सीक्वेंस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस लिखी हो तो आपके पास चल जाएगा, अदरवाइज जो है अपने आंसर में जो है वो फिर प्लस माइनस 48 लिखना है, क्योंकि स्क्रिप्ट हम ले रहे हैं तो स्क्रिप्ट लेने के बाद हमें कुछ कंफर्म नहीं कह सकते आंसर हमारे पास जो है 14 प्लस वाला सही है या माइनस वाला सही है। तो अगर तो आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वाले से लिखी हुई है या अगर आपको कॉम्बिनेशन का पता है तो आप एक ही नंबर बता सकते हैं कि कौन सा इनमें से एक्चुअल नंबर जो है वो हमारा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के आंसर में आएगा ज्योमेट्रिक मीन के तौर पर। अदरवाइज जो आप लोगों ने दोनों ही है प्लस वन जो है लिख के जो अपने क्वेश्चन को जो है कम्प्लीट कर लेना है। तो ये था दो नंबर के दरमियान ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की दो कोई भी दो टर्म्स के दरमियान अगर आप लोगों ने एक ज्योमेट्रिक मीन जो है फाइंड आउट करना हो तो वो फाइंड आउट करना का वे। इस तरह लोग जो है वो किसी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के दरमियान एक से ज़्यादा ज्योमेट्रिक मीन भी फाइंड आउट कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल नंबर 5 जो है वो सॉल्व की हुई है। इसमें क्या कहा हुआ है, इंसर्ट टू रियल ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 8। तो 1 और 8 के दरमियान आप लोगों ने 2 ज्योमेट्रिक मीन जो है इंसर्ट करने हैं। इंसर्ट करने का मतलब ये है कि 1 और 8 के दरमियान आप लोगों ने जो है वो 2 ज्योमेट्रिक मीन जो है वो फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, 1 और 8 के दरमियान 2 नंबर आप लोगों ने फाइंड आउट करने हैं कि ओवरऑल जो है 1 और वो 2 नंबर और 8 जो है मिलकर क्या बनाए, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनाए। तो 1 और 8 के दरमियान हम लोगों ने 2 ज्योमेट्रिक मीन जो है फाइंड आउट करने हैं। और 2 ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ है वो मजीद कैलकुलेशन जो है करनी पड़ेगी। 2 ज्योमेट्रिक मीन निकालने का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, सिर्फ एक ही ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फार्मूला है। तब जो है इस जो है कंडीशन को यूज़ करते हुए जो है हम नेक्स्ट जो है वो 2 ज्योमेट्रिक मीन ये जो G1 और G2 हैं 1 और 8 के दरमियान हम इनको जो है फाइंड आउट करेंगे। तो अगर आप देखें कि ये टर्म्स अगर आपकी चारों जो है क्या आ रही हैं, कंजेक्टिवली आ रही हैं, क्योंकि जब भी 2 नंबर्स के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन की बात करते हैं तो जब वो नंबर दरमियान में या ज्योमेट्रिक मीन आप दरमियान में रखते हैं तो दरमियान रख में रखने के बाद वो जो सारी की सारी टर्म्स बनती हैं वो कंजेक्टिव टर्म्स जो है बन जाती हैं। तो अगर हम उनको एज ए कंजेक्टिव टर्म देखें तो 1 जो है आपके पास, 1 आपके पास जो है सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म आ रही है तो इसको हम जो है A1 का नाम दे देंगे। ये जो कैपिटल G1 है ये सीक्वेंस की आपके पास जो है सेकंड टर्म आ रही है इसको हम A2 का नाम दे देंगे, या A2 भी कह सकते हैं हम। उसके अलावा जो कैपिटल G2 है सीक्वेंस की थर्ड टर्म है इसको हम जो है A3 भी कह सकते हैं। उसके अलावा जो 8 है ये इस सीक्वेंस की फोर्थ टर्म है। तो ओवरऑल ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की 4 टर्म्स आपको यहाँ पे गिवन दी गई हैं, जिसमें पहली और लास्ट वाली टर्म जो कि फोर्थ टर्म है वो 1 और 8 है। दरमियान वाली 2 टर्म जो है आप लोगों ने जो है फाइंड आउट करनी है, मीन्स के ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के आप लोगों ने सेकंड टर्म और थर्ड टर्म जो है फाइंड आउट करनी है। तो जो गिवन डाटा यहाँ पे आपको दिया गया उसको यूज करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, 1 है। nth टर्म या फोर्थ टर्म जो है आपके पास क्या है, वो 8 है। ठीक है, An=8 और n=4 है। यहाँ सिंपली आप ये भी कह सकते हैं कि फोर्थ टर्म हमारे पास वो क्या है, वो 8 है। तो अगर फोर्थ टर्म हमारे पास 8 है तो अगर आप जनरल टर्म के फार्मूले को यूज़ करें तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो जनरल टर्म का फार्मूला होता है ये वाला, इसको अगर हम यूज़ करें तो An=A1 r^n-1। तो इसी तरह फिर A4 किसके इक्वल होगा, A4 = होगा A1 r^4-1 वो क्या होता है 3। तो यहाँ पे A4 की जगह आ जाएगा A1 r^3 = 8। ठीक है, अब A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू हमारे पास जो है वो यहाँ पे देखें तो 1 है। तो A1 की वैल्यू यहाँ पे अगर हम 1 यूज़ कर दें तो ये बन जाएगा 1 r^3 = 8। तो r^3 = 8 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे भी r^3 = 8 लिखा हुआ है, तो r^3 जब = 8 आपके पास बन जाएगा, नेक्स्ट टाइम इसको ले सकते हैं r^3 = 8। तो हमने फाइंड आउट करनी है वैल्यू r की, क्योंकि अगर हमें r की वैल्यू पता चल गई तो आर की वैल्यू से हम जाकर कर सकते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के किसी भी एक टर्म से आगे वाले टर्म जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन अगर 1 है तो 1 के आगे वाले टर्म, ये जो 1 है 1 से आगे वाले टर्म G1 है कैपिटल G1, उसको ही फाइंड आउट कर सकते हैं। कैपिटल G1 का आंसर अगर हमें मिल गया फिर अगेन आर को यूज़ करते हुए कैपिटल G2 जो उससे आगे वाले ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म है उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, r^3 = 8 है। अगर हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करते हैं, या इसको लिख सकते हैं r^3 = 2^3, क्योंकि 8 2^3 8 के इक्वल होता है। तो राइट हैंड साइड में जो 8 लिखा हुआ है उसको हम लिख सकते हैं 2^3। अब देखिए आपके पास इक्वेशन बन गई है r^3 = 2^3। तो 2 नंबर्स की सेम पावर लेने से आंसर आपस में इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये है कि वो जो 2 नंबर्स हैं वो 2 नंबर्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। मीन्स r और 2 क्या होगा, ये भी आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आर जो है किसके इक्वल आ रहा है, आर हमारे पास आ रहा है 2 के इक्वल। तो यहाँ से आपको आर की वैल्यू मिल गई है कि जो 4 टर्म ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में आ रही थी, ये वाली 1 कैपिटल G1 कैपिटल G2 एंड 8, ये जो 4 टर्म ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में जो आ रही थी, इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में जो आर जो कि कॉमन रेशियो आ रहा है वो क्या है, उसकी वैल्यू 2 है। तो इस आर की वैल्यू 2 को जो है यूज़ करते हम क्या करेंगे, कैपिटल G1 और कैपिटल G2 है इनकी वैल्यू जो है फाइंड करेंगे। इनकी वैल्यू जो नेक्स्ट हम लोग फाइंड करते हैं आर की वैल्यू को यूज़ करते हुए, क्योंकि हमारे पास जो सीक्वेंस दी गई है वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो अगर किसी एक टर्म को अगर हम आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उस सीक्वेंस से अगली वाली टर्म जो है, उस सीक्वेंस में जो टर्म आ रही है उससे अगली वाली टर्म जो है मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों ने जो है वो G1 फाइंड आउट करना है तो G1 आपके पास क्या है, ये जो पहली टर्म है 1 उससे आगे वाली टर्म है। तो हम क्या करेंगे, जो पहली टर्म है उसको क्या करेंगे, आर से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम पहली टर्म को
ए1 को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की दूसरी टर्म जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले टर्म 1 है और दूसरी टर्म आर क्या है वो 2 है, तो 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेन दिया आंसर जो है वो 2 मिल जाएगा, यानी कि हमें A2 जो है वो दूसरा वैल्यू उसकी वैल्यू मिल जाएगी। दूसरा हमारे पास क्या है वो G1 है, दूसरे लफ्ज में आप ये कह सकते हैं कि हमें G1 की वैल्यू जो है वो 2 मिल जाएगी। इस तरह अगर आप लोगों ने G2 की वैल्यू निकालनी है तो G2 की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, जब आपको एक टर्म मिल गई है कैपिटल G1, उस टर्म को अगर आप फिर से जो है वो जिसकी वैल्यू 2 थी उस टर्म को अगर आप फिर से आर की वैल्यू से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब आप उसको आर की वैल्यू से 2 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आपके पास क्या होगी, G1 से आगे वाली टर्म मीन्स के G2 की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो G2 की वैल्यू आपको जो है 4 मिल गई है। इसी तरह आपको जो G2 की वैल्यू 4 मिली है उसको अगेन अगर आप जो है वो उस 4 को आर की वैल्यू से मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको G2 से आगे वाली टर्म जो है वो मिल जाएगी आर टू। तो G2 की वैल्यू 4 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। 8 हमारे पास क्या आ जाएगा, G2 से जो आगे वाली टर्म है वो मिल जाएगी। तो ये देखिए G2 से आगे वाली टर्म 8 हमें ये मिल जाएगी, जो कि हमें ढूंढने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने फिर भी ढूंढ के देख लिया तो हमें वो टर्म मिली है जो कि G2 से आगे वाली टर्म ही है। इसका मतलब हमारे आंसर जो है वो सही आए हैं। A1 की वैल्यू फर्स्ट टर्म की आंसर जो है वो 1 था, जो सेकेंड टर्म G1 थी कैपिटल G1 जो कि पहला जियोमेट्रिक मीन था उसकी वैल्यू हमें 2 मिली है, और जो दूसरा जियोमेट्रिक मीन था जो कि तीसरी टर्म बन रही थी उसकी वैल्यू हमें 4 मिली है। उसके अलावा जो फोर्थ टर्म थी लास्ट टर्म थी उसकी वैल्यू 8 जो है वो हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं थी, वो हमारे पास जो है वो क्या थी वो 8 थी। इस वे को फॉलो करते हुए आप जो एक से ज़्यादा जियोमेट्रिक मीन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो है वो कोई से दो नंबर के दरमियान 3 जियोमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने के लिए कहा गया, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ए है पहला नंबर उसके बाद दरमियान अगर 3 जियोमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है G1 G2 और G3 और उसके दरमियान जो लास्ट वाला नंबर जो है वो बी है, तो ए और बी के दरमियान अगर आपको 3 जियोमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है तो क्या करेंगे, ये आपके पास क्या होगी उस सीक्वेंस की पहली टर्म होगी, इसको यूज़ करेंगे जैसे हम लोगों ने A1 = 1 को यूज़ किया था। ये जो है हमारे सीक्वेंस की जो है वो पहली दूसरी तीसरी चौथी और बी जो है सीक्वेंस की 5वीं टर्म होगी, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो A4 = 8 को यूज़ किया था। तो इन दोनों को यूज़ करते हुए एंथ टर्म का फॉर्मूला यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जब आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से तो फिर ए पहले टर्म को जो है वो ए को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कैपिटल G1 मिल जाएगा, पहला अरिथमेटिक मीन मिल जाएगा। उसी तरह जब इस चीज G1 मिल जाएगा तो G1 को अगेन जब आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कैपिटल G2 दूसरा जियोमेट्रिक मीन मिल जाएगा, और जब दूसरे जियोमेट्रिक मीन को यानी कि G2 को आप जो अगेन आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको तीसरा जियोमेट्रिक मीन जो मिल जाएगा। तो इस तरह इन जनरल दो नंबर के दरमियान अगर आपके पास जो है वो एन जियोमेट्रिक मीन जो है वो आ रही हो G1 G2 एंड सो ऑन GN, तो आप जो है वो आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद एन नंबर ऑफ जियोमेट्रिक मीन को भी जो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एक्सरसाइज है 7.3 जियोमेट्रिक मीन से रिलेटेड, इसमें क्वेश्चन गिवन दिए गए हैं और आप लोगों ने जो है इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड 10th टर्म ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने आप लोगों को करने के लिए दिए थे लास्ट लेक्चर में, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4, ये पहले चार क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में करने के लिए दिए थे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जियोमेट्रिक मीन बिटवीन 4 और 6। तो 4 और 6 के दरमियान अगर आप लोगों ने जियोमेट्रिक मीन फाइंड करना है, जियोमेट्रिक मीन एक ही जियोमेट्रिक मीन फाइंड करना है, आप क्या करें 4 को जो है वो 6 से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद स्क्वायर लेने के बाद साथ में प्लस माइनस का सिंबल लगा दें, आपके पास जो है वो दो नंबर के दरमियान जियोमेट्रिक मीन निकालने का फार्मूला है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24। तो ये क्या पास आ जाएगा, दो नंबर के दरमियान जो जियोमेट्रिक मीन का आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, अगेन जियोमेट्रिक मीन ही फाइंड आउट करना है, दो नंबर के दरमियान दो दो नंबर आपको क्वेश्चन में गिवन दिए गए हैं, 2i - 4i - -4 और -16। तो जियोमेट्रिक मीन का जो है फार्मूला यूज़ करते हुए प्लस माइनस के रूट ए बी आपके पास दो नंबर आपको गिवन अगर दिए गए हैं तो दो नंबर ए और बी के दरमियान आप जियोमेट्रिक मीन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वाला फार्मूला यूज़ करके आप इन क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बार ये क्वेश्चन नंबर 7 की, क्वेश्चन नंबर 7 में ये है, फाइंड 4 रियल जियोमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 और 96। तो 3 और 96 के दरमियान लोगों ने जो है वो 4 जियोमेट्रिक मीन जो है फाइंड करने हैं, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप 3 लिखेंगे, उसके बाद 4 जियोमेट्रिक मीन लिखेंगे G1 G2 G3
ओ जी फोर, ये आपके बन गए 4 जीमेट्रिक मीन्स, और एंड पे किया है 96, तो ये आपके पास बन गया है 3 और 96 के दरमियान 4 जीमेट्रिक मीन। टोटल कितनी टर्म बन रही है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 6 टर्म बन रही है। इसका मतलब 3 है आपके पास, A1 आपके पास जो है वो 3 है, और जो 96 है, 96 आपके पास जो है वो 6 टर्म है। तो 6 टर्म के ऊपर जा क्या करेंगे आप, एन टर्म वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, A1 इंटू आर की पावर 5। तो A1 इंटू आर की पावर 5 जो है वो आपके पास क्या बन जाएगा, वो 96 के इक्वल बन जाएगा। तो यहाँ पे अब जो A1 आ रहा है, A1 की वैल्यू आपको यहाँ पता है 3 के इक्वल है, A1 की वैल्यू 3 आप जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो 3 को फिर दूसरे साइड पे जाके कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, फिर आर की पावर 5 इज इक्वल समथिंग, जो भी आंसर आएगा उसमें से आप लोगों ने आर की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। जब आर की वैल्यू आपको मिल जाएगी तो उस आर की वैल्यू को यूज़ करते हैं हम क्या कर सकते हैं, G1 G2 G3 एंड G4 इन सब अननोन्स की जो है वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोगों ने जो है वो इस एग्जांपल नंबर 5 में आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद जीमेटिक मीन की वैल्यू जो है फाइंड आउट की थी। तो क्वेश्चन नंबर 7 एग्जाम्पल की तरह आप लोगों ने खुद करना है, क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल उसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या है, दी अरिथमेटिक मीन्स ऑफ टू नंबर्स इज 10 एंड जीमेटिक मीन्स मीन इज 8, फाइंड द नंबर्स। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि दो नंबर के दरमियान जो है वो जीमेटिक मीन जो है वो क्या 10 है। फॉर एग्जांपल दो नंबर आपके पास ए और बी हैं, उन दो नंबर के दरमियान जो जीमेटिक मीन है वो क्या है 10 है, और इन्हीं दो नंबर्स के दरमियान जो है वो लेट से ये दो नंबर के हैं ए और बी, इन्हीं दो नंबर के दरमियान अगर आप जीमेटिक मीन ढूंढे तो वो क्या आपके पास 8 आ रहा है। तो अब जो है वो नंबर बताएं, वो नंबर कौन से हैं जिनके दरमियान अरिथमेटिक मीन जो है वो 10 आता है और जीमेटिक मीन जो है वो 8 आता है। तो इसको जो फिर सॉल्व करने का कैसे करना है ये फिर हम लोग जो नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे, क्योंकि आज की मीटिंग के लिए इतना टाइम नहीं बच गया कि हम इसको जो है सॉल्व कर सकें। तो आप लोगों ने आज जो क्वेश्चन करने हैं वो ये है जीमेटिक मीन से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि मैंने करवा दिया आप लोगों को, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 7 और 8, ये 3 क्वेश्चन आप लोगों ने जीमेटिक मीन से आप लोगों से रिलेटेड जो आप लोगों ने करने हैं। तो आज की मीटिंग में से किसी ने अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकता है। सर, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है सर, इसमें आयोटा की वैल्यू भी पुट करनी है, ये तो पार्ट वन नहीं, है इसका। योटा की वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और हमें पता है योटा को जब योटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आता है, योटा का स्केयर। योटा का स्केयर किस स्केयर को इक्वल होता है, योटा का स्केयर -1 के इक्वल होता है, तो योटा खत्म हो जाएगा आपके पास। जब 2 अयोटा को 4 -4 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा तो अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, 2 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा और अयोटा अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जब अयोटा अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाता है अयोटा का स्केयर, अयोटा का स्केयर जो है -1 की इक्वल होता है, तो अयोटा आपका खत्म हो जाएगा, वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। अयोटा की वैल्यू होती है √-1, वो पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। 2 अयोटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब 2 अयोटा आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर बन जाता है अयोटा स्केयर, और अयोटा का स्केयर किसके इक्वल होता है, वो -1 के इक्वल होता है। यहाँ भी अगर आप स्केयर लोगे दोनों साइड पे, अयोटा का स्केयर और √-1 का स्केयर, तो ये स्केयर जो है स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा -1। तो अयोटा का स्केयर होता है -1 के इक्वल, तो वो आपको फिर जो है वो डायरेक्टली जो है अयोटा स्केयर की जगह -1 पुट कर सकते हैं, अयोटा आपके क्वेश्चन के सोल्यूशन में जो है वो खत्म हो जाएगा फिर, ठीक है। उसके बाद फिर आप स्केयर रूट का अच्छा स्केयर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी टाइम खत्म हो गया, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे फिर।